सवाल यह है कि आखिर ये लड़की कौन है, और सवाल यह है कि आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ है अंदर, और कौन है वो लोग जो इस लड़की के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी किया है और उसके बाद जो है लड़की को मारकर जो है यहाँ से फरार हो गए। अपराध की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, ये देख रहे हैं मेरे पीछे, ये एक इंस्टीट्यूट है, यानी कहें तो यह बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है, और इसका जो नया बिल्डिंग बना है वो पीछे में बना है। बगल में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है जंगल नज़र आ रहा होगा। जब इस रूम को खोला जाता है तो अंदर से ऐसा दृश्य सामने आता है जो कोई एक बार देख ले तो उसका कलेजा कांप जाएगा। जी हाँ, ऐसी घटना हुई है कि आप सोच नहीं सकते हैं। यहाँ एक लड़की को मारकर फेंक दिया जाता है। उस लड़की के डेड बॉडी से जो स्मेल आ रही थी, जो गंध आ रही थी, यह देखकर ऐसा लगता है कि यह जो क्राइम है यह पहले, यानी कि 4-5 दिन पहले या हफ्ता भर पहले जो है हुआ होगा। हम आपको बता दें कि यह जो घटना है यह मधुबनी जिला की घटना है। जब यह घटना हुई होगी तो आप समझ सकते हैं कि इस तरफ भी जंगल है, इस तरफ भी जंगल है, और यह जो इंस्टीट्यूट है पुराना है। और हम आपको बता दें कि यह जो घटना है मधुबनी जिला के राजनगर थाना अंतर्गत रामपट्टी की, यानी कहें तो इस तरफ रामपट्टी कुछ ही दूरी पर है और इस तरफ जो है पेट्रोल पंप है रामपट्टी का, और इसी बीच में यह इंस्टीट्यूट पड़ता है, और यहाँ पर जो है इतनी बड़ी घटना हुई है, इतना बड़ा क्राइम हुआ है। आपको हम बता दें कि जिस लड़की की बॉडी यहाँ पर मिली है, स्थानीय लोगों के मुताबिक जो है उसकी उम्र लगभग जो है 16 से 17 वर्ष 18 वर्ष यही बताई जा रही है। हालांकि यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर ये लड़की कहाँ की है और जो है इसका परिजन कौन है। लेकिन जैसे ही प्रशासन यहाँ पहुँचती है, जैसे ही पुलिस वाले अंदर घुसते हैं, तो वो जो है अंदर का दृश्य देखकर जो है चौंक जाते हैं। आपको हम बता दें कि सकरी थाना की एक लड़की कहे तो पिछले 4-5 दिन से लापता है, और ऐसा बताया जाता है कि हो सकता है कि यह उस लड़की की भी बॉडी हो, यानी कि उनके परिजन को भी बुलाया गया, लेकिन अभी तक जो है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर ये लड़की कौन है और कहाँ की है। इस लड़की के बॉडी को यहाँ से जो है मधुबनी के सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस लड़की के साथ हुआ क्या है, सवाल यह है कि आखिर ये लड़की कौन है, और सवाल यह है कि आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ है अंदर, और कौन है वो लोग जो इस लड़की के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी किया है और उसके बाद जो है लड़की को मारकर जो है यहाँ से फरार हो गए। अब यह घटना क्यों हुई है, कैसे हुई है, किसने की है, यह तो खैर जांच का विषय है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मधुबनी में क्राइम कब तक होता रहेगा, आखिर मधुबनी में जो मधुबनी के लोग सोचते नहीं हैं ऐसी ऐसी घटना हो जाती है। और शायद जब आप सुन रहे होंगे तो आप भी चौंक गए होंगे कि भला इस लड़की के साथ हुआ क्या है। लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचते हैं तो यहाँ का जो दृश्य है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है कि ये लड़की कौन है। बाकी अपडेट के लिए आप देखते रहें VOS 24 न्यूज़। मैं फैज आलम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।